पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर। देखिए, जब पैरेलल कनेक्शन एससीआर का इसलिए दिया जाता है जब जो लोड करंट होता है वो उसकी करंट रेटिंग से ज्यादा हो जाता है, तब एससीआर को पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है ताकि जो लोड करंट है वो शेयर हो सके। सीरीज कनेक्शन इसलिए दिया जाता है जब वोल्टेज एक्सीड हो जाती है, वोल्टेज रेटिंग एक्सीड हो जाती है, और पैरेलल कनेक्शन इसलिए दिया जाता है जब करंट रेटिंग एक्सीड होती है। ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। जो एससीआर का कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, वो इसलिए जाता है ताकि लोड करंट को हम उस जो लोड करंट है जो एक्सीड है उसे शेयर कर सके। जो एससीआर्स होते हैं वो पैरेलल में हम उन्हें कनेक्ट करते हैं ताकि करंट शेयर हो प्रॉपर वे में, और उसके लिए प्रॉपर डायनामिक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यानी कि जो कि लो होता है, लो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, उसका यूज किया जाता है ताकि ज्यादा करंट शेयर हो सके। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक पर्टिकुलर डिवाइस का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो फिर से फर्दर रिड्यूस होता रहेगा, जिससे करंट इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो करंट है वो प्रॉपर फ्लो होगा। इसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि टर्न ऑन टाइम, डिले टाइम, फिंगर वोल्टेज या लूप इंडक्टेंस, इनकी वजह से कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्किट में प्रॉब्लम आ जाती है जो एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। इसलिए एससीआर को पर्टिकुलर अरेंजमेंट देनी पड़ती है। जब एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो ये श्योर रहना चाहिए जो लैच करंट होगा एससीआर का वो सारे एससीआर के लिए, यानी जो एससीआर पैरेलल में कनेक्टेड है वो सारे एससीआर के लिए प्रॉपर होना चाहिए। जब गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाए तो सारे एससीआर एक टाइम पे ही ऑन हो, और जब उनपे से गेट ट्रिगर को रिमूव किया जाए तब भी वो स्टिल ऑन कंडीशन में ही रहें। ये तो हो गया लैच करंट। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होल्डिंग करंट है उनमें भी सारे एससीआर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे लोड करंट रिड्यूस होगा और डिवाइस क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा, यानी होल्डिंग वैल्यू से कम हो जाएगा, जिससे डिवाइस क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और पैरेलल कनेक्शन में एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि जो सारे एससीआर हैं उनके अक्रॉस इक्वल करंट फ्लो हो, और जो एससीआर हैं वो जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो यानी कि अगर सब एससीआर का जो टेम्परेचर है सेम है तो उसके लिए जो हीट सीकर है वो भी सेम लगाई जाती है। देखिए, जो SCR 1, 2 और 3 है इनके लिए एक ही हीट सिंक का यूज किया गया है, तो जो पैरेलल पाथ होगा वो इक्वल जरूर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इसका जो हमारे पैरेलल कनेक्शन है SCR का वो देखते हैं डीसी सर्किट के लिए। जब हमारे डीसी सर्किट का पैरेलल कनेक्शन होता है तो जो ये दो SCR हैं, यहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो SCR है ये रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है R1 और R2। ये जब रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये शो करता है डीसी सर्किट, ताकि इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो दोनों आर के अक्रॉस। I1 करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ से SCR2 के अक्रॉस जो करंट जाएगा उसे I2 से डिनोट करेंगे, और I1 जो SCR1 के अक्रॉस जाएगा, टोटल करंट I करंट जो कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये तो हमारे डीसी सर्किट के लिए है। एसी सर्किट के लिए हम इंडक्टर का यूज करते हैं। देखिए, एसी सर्किट के लिए क्या करते हैं, हम रेजिस्टर की जगह पे इंडक्टर का यूज करते हैं। इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो टर्निंग ऑन टाइम है उनमें डिफरेंस आ जाता है, डिले टाइम, फिंगर टाइम, लीकेज करंट, होल्डिंग करंट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इंडक्टिव कंपोनेंट्स में, क्योंकि इसमें इंडक्टर का यूज किया गया है। जो करंट शेयरिंग सर्किट्स होते हैं उनको इसीलिए ही डिजाइन किया जाता है ताकि हम पर्टिकुलर करंट को अपने सारे कंपोनेंट्स में भेज सके, इक्वली डिवाइड कर सके, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एनोड करंट पे वो क्या कर, जो करंट है हमारा प्रॉपर फ्लो हो सके, और जो हमारा डिवाइस है वो प्रॉपर करंट को शेयर कर सके एक डिवाइस की बैड कंडीशन में भी।
इसलिए ही जो जो करंट शेयरिंग सर्किट है उनका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में या सीआरएस के, इसको मेजर करने के लिए हमें एंश्योर रहना चाहिए कि जो एससीआर रेटिंग है वो पर्टिकुलरली यूटिलाइज्ड हो, यानी कंप्लीटली उसका यूज किया जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली हमारे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो। जो स्ट्रिंग इफेक्ट होता है वो शो करता है जो टोटल करंट वोल्टेज रेटिंग होती है स्ट्रिंग में। ये दोनों पैरेलल और सीरीज दोनों के लिए है। जो टोटल करंट और वोल्टेज रेटिंग होती है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, सीरीज में या पैरेलल में, और अपोन में इंडिविजुअल वोल्टेज और या करंट रेटिंग होती है एससीआर के अक्रॉस, और नंबर कितने एससीआर कनेक्टेड है हमारे पैरेलल स्ट्रिंग में, ये होती है हमारा स्ट्रिंग इफेक्ट जो कि इसका रेशियो शो करता है। यानी कि कितने एससीआर कनेक्टेड है हमारे पैरेलल स्ट्रिंग में या फिर सीरीज स्ट्रिंग में, दोनों के लिए। जैसे कि हम जानते हैं एससीआर या तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे या फिर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, जिसे स्ट्रिंग बोलते हैं। और जो स्ट्रिंग इफेक्ट है वो पर्टिकुलरली यूटिलाइज होना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रिंग इफेक्ट होता है वो हमेशा यूनिटी से कम होता है, क्योंकि सारे एससीआर में हमेशा सेम रेटिंग नहीं होती, सेम करंट फ्लो नहीं, सेम वोल्टेज नहीं आती। इसलिए जो स्ट्रिंग इफेक्ट है वो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से जो स्ट्रिंग इफेक्ट है वो कभी भी इक्वल वन नहीं होता, यानी वन के इक्वल नहीं होगा। ये होगा स्ट्रिंग इफेक्ट जो पैरेलल और सीरीज दोनों के लिए है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।